कल लेती है कबूंगली से हद होती है भाई लूटने के लिए 50-50 रुपए लिए जा रहे हैं। रेड कॉरिडोर से ओवरटेक पैसा ले रही हो तो मेरी नाक को ऐसे करके गई और बोली कि तेरी शादी हटना साइड हटना। भाई ये मंगवाया हमने ऑनलाइन ऑर्डर जो कि है ना पधारो मारे। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई यात्रा में। तो आज हम सफर करने वाले हैं 19411 दौलतपुर साबरमती एक्सप्रेस में जो कि दौलतपुर से साबरमती और साबरमती से दौलतपुर के बीच में चलती है, यानी कि अहमदाबाद से हिमाचल जाती है और हिमाचल से अहमदाबाद जाती है। तो उसी में यात्रा करने वाले हैं। बाकी भैया से अच्छा लगा मिलके, भाई अपने अहमदाबाद के हैं, कुछ बोलिए गुजराती में भैया। आपणे साबरमती नू धर्मनगर रेलवे स्टेशन से अहीं बे रेलवे स्टेशन से एक नीचे से अने अहीं बीजू ऊपर नू से अने हूं पोते रिक्शा चलाऊ छु। मेट्रो वाला ही बोल दो कि मेट्रो स्टेशन के बाजू वाला है। और ये भी बोल दो कि हमारे गुजरात अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन आ रही है मुंबई। हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन मुंबई आ रही है। गुजराती में बोलो। हमारा गुजरात माथी बुलेट ट्रेन मुंबई आ रही है। हाँ चलो, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे गुजरात के बारे में? बस हमारे रिक्शा चाले, अब तुम्हारा आशीर्वाद मिले तो हमारी रिक्शा चारी चाले। बस ठीक है, ओके बाय। बाकी दोस्तों ये हमारा अहमदाबाद का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन साबरमती और इसके सामने जस्ट बन रहा है हमारा अहमदाबाद से मुंबई हाई स्पीड रेल जो कि एक टाइप की बुलेट ट्रेन ही होगी, पता नहीं कब बनेगी, हमें इंतजार है उस दिन का। सो लीजिए दोस्तों आ चुके हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और ये हमारे पीछे लगी है साबरमती से दौलतपुर के बीच में चलने वाली ट्रेन। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो ये जो ट्रेन है ना ये हर दिन सुबह 9:45 पे साबरमती से निकलती है 1374 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन दोपहर को 12 आपको दौलतपुर चौक पहुंचाती है। इस जर्नी को कंप्लीट करती है ये ट्रेन 26:15 में लगभग 40 होल्ट के साथ भाई। और अगर लोकोमोटिव देखे तो वडोदरा का वैप 7 लगा हुआ है जो कि हमारी इस ट्रेन को पुल करने वाला है भाई। ट्रेन रवाना नहीं हुई है लेकिन भीड़ भाड़ देखिए भाई, अभी से हमारी ट्रेन के जनरल कोचेस पैक हो चुके हैं। और इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें ना तो पहले ये जो ट्रेन है ना ये जयपुर से लेके चंडीगढ़ के बीच में चलती थी, बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया साबरमती और दौलतपुर चौक के बीच में। और आज हम यात्रा करने वाले हैं इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में। S6 हमारा कोच है, सीट है हमारी 9 और 10 नंबर। तो ये आज की अपनी बर्थ भाई, 9 और 10, एक मिली है हमें मिडल और एक लोअर। तो देखिए 9:45 हो रहे हैं, 9:45 और अपनी साबरमती दौलतपुर एक्सप्रेस निकल चुकी है भाई। देखिए अपने राइट टाइम पे साबरमती से देखिए डिपार्चर इस ट्रेन का। सफर तो हमारा शुरू हो चुका है, अब देखते हैं आगे आगे होता क्या भाई, मजा आने वाला सीरीज। हो गया टिकट है ना ओरिजिनल। दोस्तों साबरमती से लगभग 63 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी दौलतपुर साबरमती एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने पहले हॉल्ट पे जो अपना महसाना जंक्शन MSH महसाना जंक्शन का स्टेशन कोड है और 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। राइट टाइम पे आई है अपनी ट्रेन यहाँ पे और जो अपना महसाना है ये गुजरात में ही पड़ता है। और दोस्तों महसाना जंक्शन पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म थे एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन था अपना महसाना। ये अपना महसाना ये अहमदाबाद डिवीज़न के वेस्टर्न जोन में आता है और जंक्शन इसलिए था क्योंकि यहाँ से एक लाइन बड़ानगर को, एक पटन को और एक सीधी पालनपुर वाली जाती है। सो 128 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी इस ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है गुजरात के लास्ट रेलवे स्टेशन पे। इसके बाद हमारा राजस्थान आने वाला है, यानी कि अब्दू रोड आने वाला है। और यहाँ से लिया भाई ने खाना, गुरप्रीत भाई ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, अभी देखते हैं ऑनलाइन कैसा खाना रहता है। अम्मा एक दिन में कितना कमाते हो आप? 300-400 रुपये बन जाता है? क्या खाना है? चलो बाहर लेके देता हूँ, चलो चलो लेके दूं बाहर से, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
सो भाई अगर आपसे भी कोई बूढ़ी माँ या कोई पैसे मांगे तो उनको बिस्किट दीजिए, ठीक है, ये सब पैसे मत दीजिए उनको। और माई के मुंह में गुटखा लगा था इसलिए मैंने उनको बिस्किट दिया। तो अभी पी रही हैं छाछ और इसके बाद निकलते हैं भाई अब गुजरात से, राजस्थान में मिलते हैं। गर्मी काफ़ी हो गई है भाई। भाई ये मंगवाया हमने ऑनलाइन ऑर्डर जो कि पालनपुर से आया ऑनलाइन खाना, और खाने में देखो भाई एकदम बढ़िया से पैकिंग करके भेजा है इन्होंने, साथ में प्लेट्स भी दी है भाई। एक ही प्लेट दी है यार खाने के लिए इन्होंने। कोई नहीं, प्लेट है ना। हाँ चल कोई ना, बाकी खाना तो बहुत कम है यार। सो ये आ गया भाई खाना हमारा, और दाल मखनी है ना, ये दाल मखनी मंगवाई थी भाई ने, तो अभी टेस्ट कर लेते हैं भाई कैसी है। वो थोड़ा सा मतलब माइंड से उतना स्ट्रांग नहीं है लड़का उसका। टेस्ट की बात करें तो भाई अच्छा है खाना, मतलब अच्छा है ऑनलाइन बहुत अच्छा है भाई, गुजरात में मीठे से अच्छा है भाई। तो भाई देखिए ब्रेड कॉरिडोर से मालगाड़ी ने ओवरटेक कर दिया, डेडिकेटेड ब्रेड कॉरिडोर से ओवरटेक। ओ भाई देखिए पहले इसने ओवरटेक मारा लेकिन अभी हम ओवरटेक मार रहे हैं भाई, देखिए ब्रेड कॉरिडोर से ओवरटेक। तो भाई टाइम हो रहा है लगभग 2:45 और अभी हम पहुंच चुके हैं राजस्थान में। हालांकि हम आबू रोड में ही राजस्थान में एंटर कर चुके थे आबू रोड से ही, लेकिन मैं आबू रोड कवर नहीं कर पाया क्योंकि भाई रात को आपको पता ही हम मैच देखे आए थे, काफ़ी ज़्यादा नींद लगी हुई थी, थोड़ी सी आँख लग गई थी, तो इसलिए कवर नहीं कर पाए। फिलहाल अभी फालना पार किया है हमारी ट्रेन ने, और जो फालना था ना ये हमारी ट्रेन का नोवा हॉल्ट था जिसका स्टेशन कोड था FA, और 278 किलोमीटर का भी डिस्टेंस हमारी इस ट्रेन ने कवर कर दिया भाई। देखिए और निकल रिया अभी फालना से, देखिए अपना राजस्थान पधारो मारे राजस्थान। सो गुड आफ्टरनून गाइस, 3:47 हो रहे हैं और 345 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी साबरमती दौलतपुर एक्सप्रेस ने कवर कर लिया भाई, और पहुंच चुके अपने 11वें हॉल्ट पे जो अपना मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ की चाय बहुत अच्छी है भाई, मारवाड़ी चाय जो कि अभी हम ट्राई करेंगे। और मारवाड़ जंक्शन पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे ये ट्रेन ऑन टाइम आई है। बाकी देखिए यहाँ पे इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी अपने भाई सारे के सारे चाय पी रहे हैं, क्यों? क्योंकि मारवाड़ की चाय बहुत अच्छी मिलती है भाई। और दो देना भैया दो, बाकी ये ले ली हमने मारवाड़ी चाय, ये ले ली हमने मारवाड़ी चाय। मजा आ गया भाई कसम से, लग ही नहीं रहा स्टेशन की चाय है भाई। मारवाड़ी चाय इतनी अच्छी क्यों होती है भैया? अच्छी होती है ना, ये कुछ स्पेशल फ्लेवर ऐड करते हैं ना। बाकी भैया अपने राजस्थान से ही है ना, पधारो मारे राजस्थान। जो अपना भाई मारवाड़ है ना ये पड़ता है अपना अजमेर डिवीजन के नॉर्थ वेस्टर्न जोन में, और मारवाड़ अपना जंक्शन दोस्तों इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है अपनी लूनी वाली और एक चली जाती है मावली वाली। आपने नाम सुना होगा गोरम घाट ट्रेन का, तो जल्दी से कमेंट करना मुझे, मैं ज़रूर कवर करूँगा गोरम घाट वाली ट्रेन, ठीक है? अगर आपके बहुत सारी कमेंट्स आए ना तो गोरम घाट वाली ट्रेन कवर करेंगे जो कि मारवाड़ से ही चलती है, तो काफ़ी हेरिटेज ट्रेन अपनी। तो देखिए निकल गई भाई अपनी ट्रेन। कभी कभी तो कोई नवा
बांधा किसी ने कतरा तो दरिया बहा दिया ये तो ये ओवरटेक बढ़ रहा है भाई को ट्रेन को। जयपुर 8 बजे आऊंगा। हाँ तो दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग 4:38 और साबरमती से लगभग 484 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी इस ट्रेन ने कवर कर लिया भाई और पहुंच चुके अपने 13वें हॉल्ट पे जो अपना अजमेर। और अजमेर पता ही आपको जाना जाता है भाई अजमेर शरीफ के लिए जो कि काफ़ी बड़ी दरगाह अपनी अजमेर की। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है लेकिन ये ट्रेन यहाँ पे 11-12 मिनट बिफोर ही आ गई है। और भाई इस ट्रेन की एक खासियत है ये मतलब लेट होती नहीं है भाई, जो भी स्टेशन पे इसका स्टॉप होगा वहाँ ये बिफोर आ जाएगी 10 मिनट 12 मिनट, क्योंकि भाई इसको स्लैग्स बहुत दिए गए हैं। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा स्लो ट्रेन तो नहीं कह सकते लेकिन स्टॉप बहुत है और डिस्टेंस कम है लेकिन अच्छी ट्रेन है भाई। तो जो अपना अजमेर है ये 6 प्लेटफॉर्म का जंक्शन है अपना और ये जो स्टेशन है ये अपना अजमेर डिवीज़न के नॉर्थ वेस्टर्न जोन में आता है, स्टेट राजस्थान में ही चल रहे हैं। तो देखिए भाई 6:10 हो चुके हैं और अपनी ट्रेन देखिए रेडी हो चुकी है भाई निकलने के लिए अजमेर से निकल गए आप अपनी ट्रेन देखिए अजमेर जंक्शन से। लो भाई बाय बाय अजमेर जंक्शन। और पिछली बार जब मैं आया था ना इस होटल में रुका था भाई स्मार्ट इन। देखिए भाई अजमेर जंक्शन से निकलती हुई अपनी ट्रेन भाई। तो भाई पहुंच गए हम यार राजस्थान की राजधानी जयपुर में भाई। देखिए अराइव कर रही है हमारी गाड़ी, ये भैया ने भैया सब उतरने वाले हैं भाई जयपुर में। और यहाँ पे हमारा खाना भी आने वाला है ना भाई। तो भाई फोन क्यों नहीं आया यार मुझे, गेट के बाहर बंदा खड़ा होगा गेट के बाहर। और हमने पेमेंट उनको कर दी है, अब नहीं आएगा तो हमें कूपन मिल जाएगा, बट आ जाना चाहिए क्योंकि अभी बोलने की हिम्मत नहीं है भाई अगर खाना नहीं आया तो। अब खाना खा के बाकी पनीर आ रहा है हमारा, शाही पनीर था कढ़ाई पनीर था हमारा और साथ में रोटी है भाई बटर वाली। बाकी देखिए जयपुर में हमारी ट्रेन है वो पूरी खाली हो चुकी है भाई देखिए। सो दोस्तों साबरमती से लगभग 620 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया भाई और पहुंच चुकी है राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारी ट्रेन का लगभग 16वां हॉल्ट है अपनी ट्रेन का जयपुर जंक्शन। और भाई हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हमारा खाना आ रहा है। पेमेंट भी साली कर दी उनको लेकिन खाने वाला नहीं आया भाई। फर्स्ट टाइम IRCTC रेलवे वालों ने स्कैम कर दिया भाई IRCTC। वहाँ पे भी हमारे साथ रास्ते में एक बार बलारशाह में भी हुआ था, बाद में खाना आ गया था, बट यहाँ पे तो लग नहीं रहा है यार, यहाँ पे खाना ही नहीं आया यार। देखो क्या भाई क्या सीन है यार, ना उनका कोई नंबर था ना कुछ था और खाना ही नहीं आया यार। अब क्या करें भाई समझ नहीं आ रहा यार, धोखे सोएंगे भाई अब यार, बोलने की हिम्मत नहीं बची यार। ओए ओ भाई ओ मारा। तो भाई देखिए ट्रेन हमारी निकल चुकी है और खाना ही नहीं मिला भाई। और ये अपने भाई सफर कर रहे हैं आज अपने साथ। हेलो गाइस, बोलो भाई। यार खाना मिला नहीं यार, भाई नहीं मिला, ये काम खराब हो गया भाई, बड़ा दुखी करा उन्होंने यार। भाई ऊपर से एनर्जी नहीं थी और सोचा कि अभी खाना खाएंगे थोड़ी सी एनर्जी आएगी। बे ऐसे पूरी भूख लगी है भाई, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सुबह से वही खाए थे 2-4 रोटी। हाँ बट कुछ भी नहीं मिला भाई। अब आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में भाई, खाना नहीं मिला जो ऑर्डर दिया था, पैसे भी लिए थे लेकिन देने नहीं आए। तो मैनेजमेंट सर्विस होगा मैनेजमेंट को है ना। कितने का है? 130 का है भैया। हाँ 130 साइड पे एंट्री से हो, साइड पे बिल मिलेगा ना। बिल नहीं मिलेगा क्यों सर, ये नोट दूसरा दे दो यार सर जी। हाँ जी सर, ऑथराइज ऑन ऑथराइज ऑफ ऑथराइज ऑन ऑथराइज ऑथराइज है इस ट्रेन में, इस ट्रेन में ऑथराइज हो आप। आईडी कार्ड दिखाना अपना, आईडी कार्ड खुद की नहीं भाई, रेल हाँ रेलवे की भाई। मैंने तो ले लिया खाना लेकिन गुरप्रीत भाई ने नहीं लिया अभी खाना, गुरप्रीत भाई आगे से मंगवाएंगे। बाकी भैया ने मेरी पेमेंट कर दिया भाई, वापिस तो दे दो।
तो भाई IRCTC वाले हमारे साथ कर गए स्कैम, तो इसलिए हमने मजबूरी में ये खाना लिया, जो कि वेंडर भी पता नहीं कौन था भाई अपना। तो भाई ने ना बिल दिया ना कोई आईडी कार्ड था उसके पास, तो ये लिया हमने खाना। 130 रुपए की प्लेट पड़ी है, क्योंकि भाई मेरे से अब भूख ही नहीं बर्दाश्त हो रही है, कसम से बोलने का मन नहीं कर रहा है मेरा, अगर कुछ अंदर नहीं जाएगा। सुबह खाई थी 2 रोटी 4 रोटी, उसे क्या बनता है भाई अभी। तो चलो टेस्ट कर लेते हैं, अब जैसा भी होगा खाना पड़ेगा। चलो रोटी फाड़ो। तो भाई टेस्ट करते हैं, ये दिया इन्होंने हमें रायता। रायता अच्छा है यार, कसम से रायता अच्छा है। बाकी ये दाल आ गई, 130 रुपए वसूल है। दाल भी अच्छी है, चटपटी है। ये पनीर, मटर पनीर थोड़ा सा मतलब मीठा कर दे, लेकिन ठीक है भाई, अच्छा है पनीर भी। बाकी ये चने आ गए, भैया ने टेस्ट किया था ना तो इसलिए मैंने लिया, वरना भैया बोलते ख़राब, मैं लेता ही नहीं। नहीं नहीं 10 मिनट 7 अच्छा भाई ठीक है यार। सो भाई देखिए अभी अपनी हटना साइड और भाई मैं उठा था अलवर को कवर करने के लिए। एक्चुअली बात पता क्या है यार, क्यों नींद बहुत तेज़ लग रही है यार, क्योंकि थक चुके हैं ना, तो इसलिए स्टेशन को कवर नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। अभी रात के 11 बजने को है और हम जा रहे हैं अभी सोने के लिए, लेकिन सोने से पहले आपको वॉशरूम रिव्यू करवा देते हैं कि वॉशरूम इसके साफ सुथरे हैं कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे आते हो आपको डस्टबिन मिलता है और यहाँ पे वॉश बेसिन मिलता है जो कि बहुत पुराना है। वाटर टैप देखिए चल रहा है, इधर सोप नहीं है, बाकी मिरर देख लो। तो ये आगे जैसे आप वॉशरूम के अंदर आते हो आपको बहुत ही पुराने सामान मिलता है, जैसे वॉश बेसिन देखो, वाटर टैप देखो। मैं रिव्यू कर रहा था, गेट बंद नहीं किया था और भैया आ गया भाई क्या सोच रहा होगा कि वीडियो बना रहा है बाथरूम में। बाकी एग्जॉस्टर आ गया, ये पावर फ्लश बटन आ गया। तो साफ़ सफाई की बात करें तो ट्रेन भाई साफ़ सुथरी है यार, रेटिंग दूंगा 10 में से 7 इसको, पुराना है भाई लेकिन साफ है भाई। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा दूसरा दिन है अपनी साबरमती दौलतपुर एक्सप्रेस में, और डिस्टेंस की बात करें तो 1145 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने और हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया भाई, और पहुंच चुकी है अपने 32वें हॉल्ट पे, जो है अपना अम्बाड़ा कैंट जंक्शन। और आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह बैग उठा के विशाल भाई कहाँ चल पड़ा, क्योंकि ट्रेन तो आगे जाएगी ना अम्बाड़ा के, चंडीगढ़ होते हुए रूपनगर होते हुए अनंतपुर नंगल डैम होते हुए दौलतपुर को जाएगी, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं उससे, क्योंकि भाई मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया यार, रात को ही आ गया था, मेरा सारा मूड ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने अलवर वगैरह वो स्टेशन ही कवर करे। कोई और ट्रेन का कंटेंट दिखाएंगे आपको जो भी यहाँ ट्रेन आएगी। ओए होए होए होए, सो भाई कर दिया हमने बाय बाय इस ट्रेन को, बाय बाय। देखिए बाय बाय, गार्ड सर बाय बाय। सो भाई ये देखिए आ गई अपनी मौर्य ध्वज एक्सप्रेस, जिसे हम आगे का सफर तय करने वाले हैं 1.25 घंटा। भाई हो गया ना मजा, एक साथ दो दो ट्रेनों में सफर का अनुभव करवाएंगे आपको, एक साथ दो दो ट्रेनों में। सो भाई ट्रेन में तो हम आ गए, लेकिन बहुत ही बुरा हाल है भाई यहाँ पे। देखो भाई देखिए यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं है भाई। टिकट कहाँ आपकी? टिकट कहाँ है? दीदी टिकट कहाँ है? हाँ हम TT हैं। दिखाएं आईडी कार्ड अपना, दिखाएं। ये मजाक समझ रहे हैं, हम लोकल में चढ़े हैं आज। तो भाई पहुंच गए हम लुधियाना और गुरप्रीत को बोल दिया हमने बाय बाय, अभी हम जा रहे हैं स्टेशन से। और बारिश देखो भाई कितनी चल रही है भाई। सो ये पार कर रही है हमारी ट्रेन भाई सतलुज रिवर को, देखिए एकदम बाढ़ आ गया भाई। नहीं है तुम लोग, तुम जो जबरदस्ती वाला उनका नाम पट्टा
कर रहे हैं जान भाई? देखो भाई ये लोग कैसे लूटते हैं भाई, गरीबों को देखिए हद होती है भाई लूटने की। देखिए 50-50 रुपए लिए जा रहे हैं भाई, देखिए। और रेलवे कुछ नहीं करता भाई इनका, कुछ भी नहीं करता भाई रेलवे इनका। देखिए पहले जबरदस्ती ले रहे हैं, जबरदस्ती। और पूरा बैग है ना, जो ये पूरा बैग इन्होंने भरा हुआ है भाई, और ना इनको कोई दिक्कत है ना ये। यही पूछेंगे कि किस चीज का पैसा मांगते हो दीदी। दीदी आप किस चीज का पैसा मांगते हो? तो भाई ये हो रहा है आजकल ट्रेनों में। रेल मंत्री जी देखिए, अभी ये वीडियो आपको ट्वीट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे ही लेडीज आती हैं, ना वो किन्नर हैं, ना वो विकलांग हैं, और ना उनकी कोई संस्था है, यानी कि ना वो कोई कर्म करती हैं अच्छा जिससे समाज को कुछ फ़ायदा हो। ऐसे ही मतलब पैसा मांग रही हैं। अभी जस्ट मैंने उनको पूछा कि किस चीज़ का पैसा ले रही हो, तो मेरी नाक को ऐसे करके गई और बोली कि तेरी शादी का। भाई ये कोई जवाब थोड़ी हुआ। और जितना भी प्रशासन है, जितने भी लोग हैं ना, ये सारे देखते हैं और पैसा देते हैं भाई। एंड ये भैया हैं, भैया को तबाह कर दिया है ना, तबाह कर दिया है। कल से कितना पैसा दिया आपने? बहुत बुखार चढ़ गया भाई, बारिश में भीग गया यार, बहुत बारिश हुई आज। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे आपको एक और नई खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तगड़ी जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना यार। अपनी तबियत का ध्यान नहीं रखता, बट आपको एंटरटेन जरूर करता हूँ मैं।